राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, जो कि सीमांचल की ही माटी के हैं, और आपसे आग्रह, ये चुनावी रैली नहीं है, यहाँ पर नारेबाजी ना हो इसकी हम अपेक्षा करते हैं। सुपौल में हम आए हैं आप लोगों के बीच में, आप जिस तरह से सम्मान हमको दे रहे हैं ऐसा ही सम्मान आप आगे भी हमको दीजिए। पप्पू यादव जी नमस्कार, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें सर। थोड़ा पप्पू जी पीछे चलते हैं, क्योंकि आपकी राजनीति हाल फिलहाल की नहीं बल्कि 3-4 दशक पुरानी है, और राजनीति का सफर इसी माटी से शुरू हुआ, सीमांचल की धरती से ही आपने राजनीति का गहरा सीखा, और आज की तारीख में आप किसी जाति से परे, धर्म से परे, समाज से परे और क्षेत्र से परे जो भी व्यक्ति मुसीबत में होता है बिहार का, उसके साथ खड़े होते हैं। रविंद्र बाबू, पहले तो आपको धन्यवाद। मैं 2-3 बात शुरू करूंगा। राजनीति का मतलब ही है सेवा। आप बैक जब जाइएगा तो आप जब राजनीति के संदर्भ को समझने का हम प्रयास करेंगे तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस या फिर कुछ ऐसे सामाजिक लोग जिन्होंने सामाजिक न्याय का मतलब जाति या धर्म मजहब नहीं होता है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है एक व्यक्ति को आप निर्भर बनाना, उसके जीवन को पीस प्रोस्पेक्ट, एक बेहतर लाइफ, एक इकोनॉमी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी, आध्यात्मिक आज़ादी, एक व्यक्ति को संपूर्ण रूप से जीने का माध्यम। जब तक एक व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा ना, और यदि वो डरा हुआ इंसान होगा, अभाव में रहेगा, तो वह व्यक्ति एक समाज, एक परिवार, एक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकता है। तो उसमें मैं बहुत क्लियर हूँ, जो सरकार आप आत्मनिर्भर बिहार की, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आप कैसे सफ़र कर रहे हैं इस बिहार में, जो बिहार आप अगले बार हमसे, आपने पूछा था कि नीति आयोग की रिपोर्ट में आपको लेके आया हूँ बिहार के बारे में, आपने पूछा कि पप्पू यादव जी ये रिपोर्ट कहाँ से है, बिहार सरकार की भी रिपोर्ट में लेके आया हूँ आपके सामने। आपको आश्चर्य होगा, आप जिस बिहार के आत्मनिर्भरता की बात करते हैं रविंद्र बाबू, 68% महिला कुपोषित है इस बिहार में, 68.8%, और 55.6% जेंट्स कुपोषित है, और जिस सुपौल में आप बैठे हुए हैं 10,972 करोड़ रुपया 17 सालों में खर्च हुआ है सिर्फ बाढ़ पे, 10,000 केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से। सर ये केंद्र और राज्य के समावेशी योजना है। कुशहा त्रासदी में 1,68,000 रुपया केंद्र ने मनमोहन सिंह जी ने दिया था, कुशहा त्रासदी अलग। सर आज तक 4 बालू स्लेटेशन का मामला था, नदी नए बांध का मामला था, और रिहैबिलिटेशन का मामला था, जिसके घर उजड़ गए, जिनके पशु खत्म हो गए उनकी मदद की मामले थे। आज तक आश्चर्य होगा आपको 6.2% भी वह खर्चा नहीं हुआ, वह पैसे कहाँ गए इसकी आपको, आप इस, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पब्लिक स्पेंडिंग और सबसे ज़्यादा जो आज प्राइवेटाइजेशन पर खर्च है दुनिया में किसी भी राज को आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसमें कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और उसमें बिहार, कल आपने देखा होगा 43,000 एक सर्वे आया जिसमें 33,000 यहाँ का इनकम है 8,372, 15,000 नहीं है, 11,000-13,000 नहीं है, यहाँ शिवहर के बाद ये 8,000 पर है सुपौल, और सुपौल के बारे में आप इस बात को समझ लीजिए कि एजुकेशन के मामले में 12% दुनिया का रोजगार है सिर्फ बिहार में, 12%, ये बिहार सरकार की रिपोर्ट है। हम अंतिम पदान पर हैं, सिर्फ एक स्टेट है जो हमसे नीचे है, उसके ऊपर हम हैं, तब झारखंड है। हमारा जो अभी आज का जो सूचांक है, अंक है 6.2 पर हम हैं, और झारखंड है 9 point कुछ पे। आप नीतीश कुमार जी जीडीपी की बात करते हैं कि 10, 9, 8, 7, 12 जीडीपी की बात करते हैं। मैं कभी कभी इस बात से जब ये सोचता हूँ,
कि सर 15 जिला है जहां पर आर्सेनिक पानी सबसे ज्यादा है, 60 ब्लॉक है और 1800 पंचायत है। इंडिया नहीं, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यदि, और वो कोसी सीमांचल मिथिलांचल है, 15 जिला, 1600 पंचायत और 68 ब्लॉक, आर्सेनिक पानी और दुनिया की सबसे ज्यादा बीमारी हैजा, दम्मा, टीबी, कैंसर। आप इसको आदि देखेंगे। मैंने आपको अररिया में कहा था कि 33% रोजगार है अररिया के पास, उसके पास उसके बाद लगभग पलायन है, मजदूर है। सुपौल के पास 29% मात्र रोजगार है। जो लोग यहाँ मंच पे आते हैं या जो बात करते हैं, 40 सालों में 50 सालों में सत्ता में रहने का मौका मिला, कोसी सीमांचल एमपी एमएलए बनाने का एक औजार बना, तो कोसी सीमांचल आत्मनिर्भर बनने के लिए जब आप बेहतर इकोनॉमी की बात करते हैं, एक व्यक्ति का इकोनॉमी क्या होना चाहिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा कि जो कोसी सीमांचल में जाति व्यवस्था, मैंने पहले भी आपसे कही थी, यहाँ के लोग आत्मनिर्भर खुद नहीं बनना चाहते हैं। मैंने कहा था सीमांचल में हिंदू मुसलमान और कोसी में बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति व्यवस्था। ये जो दो जहर है, ये दो आप ये तय कर सकते हैं कि जब समाज में नफरत होगी या जब वर्ग का वर्गीकरण होगा, बंटवारा होगा और वर्ग अपनी किसी आवश्यकता को, जरूरत को, आत्मनिर्भर फ्यूचर को नहीं सोचेगा और कंप्लीट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा जाति और धर्म के आधार पर, तो क्या वो कभी समाज या वो कभी जिला आत्मनिर्भर हो पाएगा? ये एक लोगों का कहना है। सड़क, मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ। पानी में आप आइएगा, आपको आश्चर्य होगा जनाब, जल नल योजना के बारे में बहुत सारे, आप एक PhD के स्कूटी आए थे, आप RWD यहाँ की स्थिति को मैं आपको बता देता हूँ। 1 करोड़ में एक स्कूटी पोस्टिंग करा के आता है। सर आत्मनिर्भर कौन कौन बने हैं इस बिहार में? अभी मैं आ रहा हूँ जहाँ 7 बच्ची मर गई दलित कल शराब पी करके, मुजफ्फरपुर में, वहीं से आ रहा हूँ। 9 बच्चा है एक दलित के पास, माँ बाप दोनों मर गया, खाने तक के लिए उसके पास आज पैसे नहीं थे, जस्ट अभी 2 लाख रुपया उनके फैमिली को दिया हूँ, जस्ट मैं आया हूँ आपके पास। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, 5 साल शराबबंदी को हुआ, 18,000 करोड़ रुपया, नीतीश जी आपने एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया, 5 मौत में, वो दरोगा वहाँ से आपको, रविंद्र जी इस पर आपको आश्चर्य होगा, 2.5 सालों से वो दरोगा वहाँ पोस्टिंग थी। और वहाँ पर 3 ऐसा माफिया है, एक है मुकेश सिंह, एक है प्रमोद दास, एक है कोई डॉन जिसका नाम है, वो तीनों लगातार एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वहाँ के MLA का पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ के MP का पैसा इन्वॉल्व। आपका कहने का मतलब है कि राजनीतिक शह मिल रही है ऐसे लोगों को? सर मैं आपको एक बात बताइए रविंद्र जी, 5 साल हो गए नीतीश कुमार जी को शराब को, 2015 में, ठीक है, अप्रैल के, और आज भी 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का शराब किसी गोदाम में मिलता है। वो गोदाम किसी MP के भगना का, नाती के, किसी मंत्री का, चाची का, किसी MLA के काकी का गोदाम होता है। आप उसको जेल नहीं भेजते हैं। 4,200 ट्रक डेली आता कहां से है और मात्र 2 ट्रक पकड़ करके आप कहते हैं मैंने पकड़ लिया। 2 सरकारी पक्ष तो कहते हैं कि शिकायत नहीं आती, लोग जरा बताएं हमको कि कहां कहां पर है। सर अभी तो ये आप जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस गोदाम में, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, आपने शिकायत की कभी? 7 दिन पहले पटना में पकड़ाया 2.75 करोड़ का दारू, वो एक पूर्व मंत्री के रिश्तेदार का था, गोदाम था। 9 दिन पहले एक MP का रिश्तेदार के पूर्णिया में, एक किसी बड़े नेताओं के रिश्तेदार का गोदाम पकड़ाया, 1,68,00,000 की शराब थे। और हर दिन ट्रक पकड़ाते हैं और हर दिन लोग शराब में अरेस्ट होते हैं। तो जब आप ही से मैं कह रहा हूं कि मैं अभी आपके मंच पर शराब पी के आऊं तो शराब मिल रहा है ना, यदि कल शराब 7 आदमी डेथ कर गए, और लगातार इस इलाके का सबसे बड़ा हब है नेपाल से आने वाला शराब पूर्णिया, और बगल में उत्तर प्रदेश नेपाल से आने वाला मुजफ्फरपुर। मतलब पप्पू जी कह रहे हैं कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए। सर मैं नहीं, मेरा कहना है कि यदि आप भारत, आप एक बात यहाँ एजुकेशन की हो रही थी, 20,000 करोड़ रुपया बिहार का एजुकेशन पर बाहर जाता है। जो बात लोग एजुकेशन की कर रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन क्यों, मेरा सीधा सवाल है। अभी क्वेश्चन आउट हुआ,
क्वेश्चन आउट करने में, मैट्रिक का क्वेश्चन बिहार में, एक बार की बात नहीं है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सर, उसमें बैंक कैशियर, बैंक के लोग, पदाधिकारी, चपरासी, कोचिंग माफिया, सर ये कोचिंग माफिया चला कौन रहा है? आत्मनिर्भर हुए कौन है? नेता, जमीन माफिया। आप जितने लोगों को आप देख रहे होंगे सर, आज के डेट में आपको आश्चर्य होगा, खास महल की जमीन, सरकारी जमीन पर गिद्ध दृष्टि इन जमीनों के माफियाओं की है। अभी आज साहबगंज में लगभग सरकारी जमीन बिक गई, सरकार को पता ही नहीं चला टोटल, और खरबों का आज अखबार में छपा हुआ है, मिनिमम 4,500 अरब की जमीन बिक गई मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में, और वहां एक एक्स डीजी का पैसा लगा हुआ है। सर आप अभी वही बात, आपके नीति आयोग ने क्या कहा सर? सिर्फ उसने कहा कि बिहार सुरक्षा कानून, वातावरण, निवेश और माहौल और स्वतंत्रता, इस बिहार में दुनिया का सबसे निचले पायदान पर है। आप किस बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट जी, बिल्कुल ये सारी बातें सही है, लेकिन मैं आप जनता से जुड़े हुए हैं, उनके जहन की बात जानना चाहूंगा। आपने पिछले चुनाव में ये वादा किया कि अगर मुझे चुना गया तो मैं बहुत कम समय के अंदर एक बड़ी कायाकल्प करूंगा, क्या जनता के पास ये मौका नहीं होना चाहिए कि 5 साल तक वो इंतजार ना करे, और अगर 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 उनकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी तो इसी सरकार को बने रहने का कोई फायदा नहीं है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। रिकॉल टू जो आने जब लाया गया, इस पर भी चर्चा हुई कि उसको भी किया जाए, तो वह नहीं, एक एनआरकी हो जाएगा, और फिर बीच में ही राइट टू रिकॉल बीच में ही इकोनॉमी का पूरा समावेश हो जाएगा, फिर कोई भी रिकॉल करने की बात करने लगेगा, नेता इससे डरता है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि जब कोई भी, जब आप 2-3 साल पर डीएम को बदलते हैं, तो एक नेता को 5 साल से ज़्यादा क्यों मिलता है मुझको नहीं पता। मैं जैसे अमेरिका में 10 साल से ज़्यादा, 8 साल से ज़्यादा आप नहीं रह सकते हैं। बिहार के बारे में मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, बिहार में जो लोग एक अदन आदत हो गई है, गरीब, और मैं गरीबी रेखा से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं अमीरी रेखा की बात करता हूँ, गरीबी रेखा वो कायर लोग करते हैं जिसके पास हिम्मत नहीं है ऐसी गरीबी रेखा जैसे सबको मिटा देने की, ये नेता लोग करते हैं, नेता औजार बना लिया है गरीबी रेखा का, गरीब का, ये मजाक सी बनी हुई है। मैं बहुत क्लियर, आपने कहा 17 साल नीतीश कुमार जी को आज हो गया NDA की गवर्नमेंट को, और उसके पहले भी गवर्नमेंट थी। आप बिहार के बारे में यदि आज मैं बात कर रहा हूं तो नीतीश की आलोचना नहीं कर रहा हूं, या मैं किसी, मैं 40 सालों के अंदर आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें सर 40% चीनी बिहार भारत को देता था, सर 96% मखान बिहार भारत को देता है। आपको आश्चर्य होगा जनाब, सबसे ज्यादा मछली भारत को बिहार दे सकता है, सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल बिहार के पास है, सबसे ज्यादा नदियां बिहार के पास है, सबसे ज्यादा हमारे इलाके में, यदि आप लगभग, मैं समझता हूँ 30% जमीन जो है वाटर डैम है लगभग, वो जिसपे लिद्दी है, जिस पर वो कोकवा चीज़ें होती है, बिहार का 30% वाटर लॉकिंग है और 70% बाढ़ है। तो नीतीश कुमार जी ने डेवलपमेंट के बारे में जो वो उसका चयन है या चुनाव है, जब आप नौकरी में 12% हैं, आपके पास एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम, आप पीठ थपथपा रहे हैं कि अगले बार हम 31,000 कुछ था, इस बार हम 33,000 क्रॉस कर रहे हैं, और जबकि भारत 90,000 पे है और हरियाणा 1,96,000 पे है, और इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, हरियाणा सबसे नंबर 1 पे है, और आप 33,000 पर एक सर्वे लाए और आप कह रहे हैं कि हमारा 1,500 लगभग, 1,800 लगभग हमने इस बार हासिल की। ये वस्तु स्थिति है पप्पू जी, अब बिहार का भविष्य आप क्या देखते हैं, और बिहार के भविष्य में जन अधिकार पार्टी का क्या भविष्य है? कैसे रेल रोकने से, लोगों के साथ खड़े होकर सड़क जाम करने से, प्रदर्शन करने से, पुतला फूकने से ही आपको लग रहा है कि बिहार के लोग एक बात आप सही इंसाफ कर देंगे? जन अधिकार पार्टी का क्या भविष्य आप मान रहे हैं बिहार के योगदान के? अभी भाजपा के लोगों ने शिवसेना की सरकार में जाकर के दफ्तर को जला दिया, बिजली के दफ्तर को, आप भी ऐसा करेंगे? नहीं, मेरी बात भी तो सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी आए, एक जीनियस, अब आगे नहीं बोलूंगा, तार काटा, बिजली काटा, पानी काटा, बोला मैं
आप हमको एक बात आप बताएं, बिहार में एजुकेशन की इतनी कमी है और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, जातीय व्यवस्था में इतना ज़्यादा, जिसमें आप उस व्यक्ति को, हमको आप एक बात बताइए सर, हिंदुस्तान के इतिहास में पानीपत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, सर मैं भविष्य पूछ रहा हूँ, बिहार का आप क्या देखते हैं? भाई बता रहा हूँ, सर बिहार नहीं इन्वॉल्व हुआ, सर बिहार के बारे में सिर्फ आप इतना समझिए, यह कह देना कि ज्ञान का केंद्र बिंदु है, नालंदा विक्रमशिला यहीं था, सूर्य यहीं था, राम यहीं था, सीता यहीं थी, कर्ण यहीं था, चाणक यहीं थे, तो भविष्य पूछ रहा हूँ ना, वही तो आप इसको लेकर के नेता हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप नेताओं से बात कीजिएगा, कॉमन मैन की, यूथ की, क्वेश्चन लीक कैसे हुआ, क्या कारण है कि जितने एग्जामिनेशन होते हैं कोचिंग माफिया तय कर लेता है, एक हॉस्टल एक कैंपस को तय कर लेगा, और कैंपस तय करने के बाद किसको हमें नौकरी देनी है, सर ये सरकार और कोचिंग माफिया के मिलीभगत से तय होती है। जो जीनियस स्टूडेंट इस बिहार में होता है, कितना भी पढ़ ले, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो सर आप इस बात को लिख लीजिए, वो पढ़ नहीं सकता है। ये जो प्राइवेट स्कूल है, मैं एक तो सबसे ज़्यादा सरकार से पूछना चाहूँगा, ये प्राइवेट स्कूल का समावेश हो, डेवलप करें, मुझ पर उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल के कॉज पर आप बर्बाद कर रहे हो, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो कस्तूरबा हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे जिला स्कूल हो, चाहे भट्टा स्कूल हो, तो सर स्कूल तो चौपट हो गया ना रवि, साफ तौर पर बिल्कुल पप्पू जी, जो शिक्षा की बात हो, शराबबंदी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या पलायन के बाद साथ साथ बेरोजगारी की बात हो, ये तमाम बातें बेहद जरूरी हैं और सरकार को करना जरूर होगा, चाहे किसी की भी सरकार हो, और जनता को भी समझना होगा। मैं खुद मेरी अपनी तरफ से बात कहूंगा कि अगर बार बार मौका देने के बाद भी या फिर कहीं नई अवसर अगर दिखाई देते हैं जनता को, तो मौका देना चाहिए ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं काम करके दिख रहे हैं। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, 16 साल हो गए नीतीश जी को, 16 साल में इनकी हैं। अब आप हमको एक बात बताएं, उन्होंने सबसे पहले कहा था पलायन को रोकूंगा, पहली सरकार से 1.5 गुना पलायन इनके रीजन में हुई, 1,64,00,000 लगभग सालाना, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मैं बच्चों को बाहर जाने नहीं दूंगा, 20,000 करोड़ आंकड़े आंकड़े पूरे आपके पास हमेशा तैयार रहते हैं। मेरी बात रविंद्र, थोड़ा सा इन्होंने कहा था पटना को स्वच्छ भी करूंगा और पटना को एशिया का वर्ल्ड का नंबर वन बनाऊंगा। पटना वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित स्टेट जिला शहर है आज के डेट में, मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ केयर का मानना है। उसके बाद पटना डिब्बा बना हुआ है, 4 बात उन्होंने कही थी और 4 बातों के बाद 1 बात पर नीतीश कुमार जी कायम नहीं रहे, उसके बाद वो आ गए हरियाली यात्रा पर, 24,000 करोड़। अब नीतीश कुमार जी हमको ये नहीं बता पा रहे हैं, जब पंचायत में आपने हरियाली यात्रा की शुरुआत की थी, जल नल योजना, जिसमें आपने 1.2% भी कहीं नहीं लगा, अब आप नए सिरे से हरियाली यात्रा का 24,000 करोड़। आप नीतीश जी, मैं उस पर कहना चाहूंगा, जो आप खर्चा कर रहे हैं 24,000 करोड़ का, आप जो खर्चा कर रहे हैं जल नल योजना पर, अब इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैं बात समझ रहा हूं और मैं बस यही कहूंगा अंत में सर, क्योंकि वक्त मेरे पास यही है कि खत्म करना होगा इस चर्चा को। सड़क संसद में या कहें कि सदन में, विधानसभा में तो मौका नहीं मिल पाया, लेकिन सड़क से आप इसी तरह से अपनी बातों को उठाते रहिए, लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनाने की कोशिश करते रहिए। कहना चाहूंगा कि आप जी न्यूज के माध्यम से आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना कर रहे हैं, आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्लीट रूप से कॉमन मैन का इंटरेस्ट है, और 92% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है और 40% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन बिहार में नहीं। सर इसको थोड़ी सी आप जी न्यूज के माध्यम से जरूर सरकार से, और जब मंत्री आए तो बात क्या कीजिए कि सर जब आपके पास फैक्ट्री नहीं है, 6,000 फैक्ट्री बंद हो गई, आपके पास रोजगार नहीं है, रीगा चीनी मिल 3 दिन पहले 15 दिन पहले बंद हो गया,
इस इलाके का पेपर मिल से लेकर के जूट मिल से लेकर दालचीनी मिल से लेकर गन्ना चीनी मिल से लेकर सिल्क चीनी मिल, आप उनसे जरूर पूछिए। सर बिल्कुल सर, सवाल तीन बात उनसे बिल्कुल पूछे। रोजगार की बात, शराबबंदी की बात और लिहाज से शिक्षा की सवाल है उसमें आप मंत्री से जरूर। और नहीं ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप हमको नहीं देंगे, क्वेश्चन पेपर एक सवाल हम जरूर लेके जाते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, उसमें तीन बातें पूछिए ना, आप रोजगार देते हैं ना, कृषि पर आधारित आपके पास कोई सॉल्यूशन है और ना आपके पास फैक्ट्री है, तो बिहार के 13 करोड़ लोग क्या करें, कहां जाएं और बिहार कैसे आत्मनिर्भर बनेगा जब ये तीनों शून्य पे है, 1.2 पे है और माइनस पे है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, क्या होगा इसका स्वप्निल सोनल जी को मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और पप्पू यादव जी का सम्मान मोमेंटो भेंट करें। स्वप्निल सोनल, नेशनल ब्यूरो चीफ।